मना किया था ना आने को, इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पर। और कहाँ रखूँ, कोई भी बैंक नहीं ले रहा है। मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा। जी दरवाजा खुलने की वेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह उधर कर लो। हरामजादी, तू किधर भाग रहा है? इधर आ, बोल बोल, किधर भाग रहा है? बोल, बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी पकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया एकदम शांत हो गई तू? हैं, तुझ पे शक तो मुझे कई दिनों से था, लेकिन आज तो गई फंस। आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूं। ओए, बैठ। अंशुद, बैठ और बैठ के सीख। वैसे तो कुछ होता नहीं है तुमसे, इसे देख के हरकत हुई है। मैं रात को घर जाने से डर रहा था, नहीं डरना चाहिए था, क्योंकि खन्ना तो मेरी कब्र कब की खोद चुका था। चाय लीजिए जी। थैंक यू। नमकीन थोड़ी थोड़ी सी। मुकेश सारिका से कुछ पैसे मांगने आया था दोपहर को, कहने लगा बुआ जी ठीक से खाने को नहीं देती, पकड़ मनी भी नहीं देती। जी, जितना बनता है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही है जी। इतने दिनों तो ठीक से ही काम कर रहा था, कोई बदतमीजी भी नहीं की, तो सारिका ने बात सुन ली। अब ऐसे बच्चों को थोड़ी सी हमदर्दी दिखाइए तो उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। ये तो है जी, ये आजकल के बच्चे मतलब विजय के सामने कुछ छप्पी वप्पी कोशिश। सस्ती शराब की बू आ रही थी उसके मुंह से, तो सारिका ने धक्का दे दिया, वो तो जैसे पागलों सा हो गया। जबरदस्ती किस बांह पकड़ ली उसकी, निशान पड़ गया। जी, आने दीजिए जो उसको, मैं उसके फूफा। आने मत दीजिएगा, यही कहने आया था। आपके हस्बैंड की प्रमोशन ड्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन की जगह इंक्वायरी बैठ जाए। मुकेश, एक घंटे में सामान बांध और निकल जाए यहां से। बुआ जी, कहां जाऊं मैं? मुझे नहीं पता, किसी दोस्त के पास जा, होटल में कमरा कर ले अपनी नई कमाई से। आजादी मिल गई है अब तो, ऐश कर, नए जूते कपड़े खरीद ले,
शराब तो तूने शुरू कर ही दी है। बुआ जी, खन्ना जी ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो सारिका जी के घर गया था। सारिका के बारे में उड़ती उड़ती सबने सुनी है। खन्ना तेरे को क्यों निशाना बना रहा है पता नहीं, लेकिन तू यहाँ रहा तो तेरे फूफा जी, मैं, हम सब जरूर फंस जाएंगे। तू तो भाई बख्शी दे। सिर फिर गया है तेरा। क्या चाहता है? तेरे इश्क में नहीं आया हूं, मेरा काम बंद हो गया है। तेरा काम बताया तो तेरे दोस्त को। किसने कराया? तुझे क्या लगता है? खन्ना ने। क्यों? उसे ना तो काम के बारे में कुछ मालूम था और ना लड़कों। लड़के और भी थे। और भी थे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पैसे कहाँ हैं? अलमारी में 2000 पड़े हैं। बीजी को छोड़ दे, पैसे ले और चलता बन यहां से। अगली बार नजर आया तो अशोक इंतजार कर रहा होगा तेरा। भीख मांगने नहीं आया हूं, मेरे अपने पैसे चाहिए मुझे। हाँ तो जिसने लिए उसे जाके पूछ। तेरे पति से? जितने तूने इतने दिन अपनी मरा मरा के कमाए अशोक एक दिन में कमाता है। अपने दोस्त से जाके पूछ। साला शक्ल से ही चोर नजर आता था। झूठ मत बोल। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। इतने दिन कुछ नहीं सीखा ना मुझसे सेक्स के अलावा? चल मेरी बात मान, थोड़ा टाइम वेट कर ले, काम फिर से शुरू हो जाएगा। अभी निकल यहाँ से, अपनी बहनों के बारे में सोच कम से कम। अरे नहीं दसना तेरे इस कीचड़ में वापस, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज और अभी। सारे का दरवाजा खोल। प्लान बनाते टाइम ये सोचा था? सारिका मुझे पता, अंदर कोई है, दरवाजा खोल दे। सारिका दरवाजा खोल दे, नहीं तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा करूंगा मैं आज। सारिका दरवाजा खोल, आज पूरी कॉलोनी तेरा तमाशा देखेगी। मुकेश मेरे पास है। सारिका मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, आज तेरी इज्जत का कबाड़ा निकालूंगा मैं। चाकू मार मुझे। क्या? जान से नहीं मारना, सिर्फ टच करना। सारिका, सारिका दरवाजा खोल देने तो तोड़ दूंगा मैं। सारिका दरवाजा तोड़ दूंगा मैं बोलता हूं। हम दोनों को मार देगा।
सोचा ही नहीं था कि बारिश होगी, अचानक से हो गई ना। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। हरीश, मेनी मेनी थैंक्स मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। किस लिए? तो मेरी वजह से बारिश में भीग गए ना। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हे, तुम ऐसे ही जाओगे? जरा एक मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। हरीश? अरे अरे नहीं, अरे रहने दो। मैं पोछ देती हूँ ना। मैं पोछ लूँगा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद पोछ लूँगा। क्या लोगे हरीश? बहुत ठंड लग रही होगी ना? चाय कॉफी? मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें बिना कुछ पिलाए मैं जाने नहीं दूंगी। तुम चाहो तो इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं चलूं? जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। बारिश हो रही थी तो कहीं खड़ा हो जाता। इस तरह बारिश में भीग कर आओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? हरीश? हाँ? नमस्ते जी, हरीश नहीं है क्या? हाँ है, तेज बुखार है उसे। बुखार है? अरे बाप रे, मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? हाँ मिल सकती हो, आओ। हाँ। हरीश, अरे बाप रे, बुखार से तो तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है। हाँ तुम उठो मत, सोए रहो। आइए दादी, आपके पोते का दिल बहुत बड़ा है। सबकी मदद करता रहता है। इसने मेरी भी बहुत मदद की है। मैं यही पड़ोस में रहने आई हूँ। पता है। हरीश, डॉक्टर के पास गए थे क्या? गया था। दवाइयाँ ली तुमने? नहीं, बुखार से दिक्कत हो रही है। ओह, बुखार में तो दिक्कत होगी ही ना। दादी दवाइयाँ उधर देखो, टेबल पर रखी हुई है। मिली? वही है बेटी। अच्छा दादी, ओके। लाइए। कम उठ के दवाइयां खा लो हरीश। ये लो खा लो। आपको मेरी वजह से? अरे नहीं, तुम मेरी वजह से बीमार पड़े हो ना। कल बारिश में मेरी वजह से भीगे थे ना। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जब भी चाहिए मुझे कांटेक्ट करना। मेरा सेल नंबर है ना। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ दादी। बहुत ही अच्छी नेक दिल है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी नेक औरत है। अपना ख्याल रखो। हरीश, जूस, ये विदाउट आइस है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पी कर तो देखो, ये सेहत के लिए अच्छा है। मैं इतना नहीं पी सकूंगा। जितना हो सके पी लो, बाकी मैं पी लूंगी। अरे आप क्यों, क्या गलत है? कभी तुमने अपने दोस्त के साथ एक कप में चाय शेयर नहीं किया? ये भी ठीक उसी तरह है।
पियो। हरीश, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता? रहेंगे तो दिखेंगे ना। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे पैदा होते ही मर गई। माँ मेरी वजह से मरी। मेरे पिताजी ने यही सोचकर मुझे 7 साल की उम्र में ही मेरी दादी के साथ भगा दिया था और तब से आज तक मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। माँ की ममता, बाप का प्यार, इन सब के बिना मेरी जिंदगी तन्हा अकेले ही गुजरती गई और रूखा सूखा खिला के जैसे तैसे खुशी खुशी मेरी दादी मुझे पालती चली गई। बचपन में ही मेरे माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई हूँ मैं। फिर वहां एक इंसान आया, मेरी सुंदरता और मेरे स्वभाव को देखकर मुझसे शादी करने के लिए कहा और मैं भी राजी हो गई। फिर मैं भी घर गृहस्थी वाली हो गई। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे हमारा परिवार नहीं बढ़ा। कोई नहीं, जाने दो। फिर मैं अपनी खुशी के लिए मेरे जैसे ही अनाथ लोग, गरीब लोग की मदद करने लगी और जानते हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हरीश, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी।